हाई हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की, आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं, क्या उनकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है, उनके मैसेज आपके लिए क्या हैं, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं जो उन्होंने आपको कभी भी नहीं कहा। सो रीडिंग सबके लिए ओपन है, आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं और टाइमलेस है। सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम स्क्रीन पे मिल जाएगा। और मेरे ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए। सो अपने पर्सन पे आप लोग फोकस रखें, रीडिंग सबके लिए ओपन है, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स, अपने फियोंसी, अपने फ्रेंड, अपने क्रश, सबके लिए आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। देखते हैं उनकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है, उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो आपको मैसेज के थ्रू कहना चाहते हैं जो उन्होंने आपको कभी नहीं कहा। सो फर्स्ट हमारे पास है, ह्यूमंस कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड आई कांट सर्वाइव विदाउट योर लव, इट सीम्स योर लव इन माई ऑक्सीजन। डेफिनेटली ये पर्सन कह रहा है कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान डेफिनेटली ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, बट ये पर्सन आपके प्यार के बगैर नहीं रह सकता। आपका प्यार इस पर्सन के लिए ऑक्सीजन की तरह है। काफ़ी रोमांटिक मैसेज है, बहुत खूबसूरत मैसेज है और फर्स्ट टाइम ये मैसेज आया है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लव करता है गाइस, आपके बिना तो इस पर्सन को ऐसी सांस नहीं आती। कौन सा मैजिक किया हुआ है आप लोगों ने इस पर्सन पे? यू हैव गिवन मी द रीज़न टू स्टे अलाइव इन दिस वर्ल्ड। आपने ही इस पर्सन को रीज़न दिया है कि ये पर्सन जिंदा रहे, इस दुनिया में रहे। आपके होने से ये पर्सन जिंदा फील करता है अपने आप को। आई फील इन लव विद द डे आई सा यू, आई वॉज रेस्टलेस एंड इट वॉज हार्ड फॉर मी टू स्टे अवे फ्रॉम यू। जब से ये पर्सन ने आपको देखा है तब से ये पर्सन आपके प्यार में खो चुका है और इस पर्सन के लिए आप लोगों से दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है आपके बिना। इस पर्सन को कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा, कहीं पे भी आराम नहीं मिल रहा, बिकॉज ये पर्सन आपको चाहता है। ओके, यू आर द वन हु लिव्स इन माई हार्ट। आप ही एक हो जो इस पर्सन के दिल में रहते हो। काफ़ी खूबसूरत मैसेज है, बट ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खूबसूरत मैसेज है यहाँ। इट इज़ वेरी हार्ड फीलिंग टू एक्सप्रेस व्हेन आई मिस यू। ऑलमोस्ट एवरी नाइट आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड कांट स्लीप। आई डोंट नो हाउ आई विल गेट रिड ऑफ दैट स्लीपलेस प्रॉब्लम, ओनली यू कैन हील मी। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखता है, इतनी फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, आपको इतना मिस करता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हार्ड फीलिंग्स हैं कि आपको एक्सप्रेस भी कर सके। स्पेशली नाइट टाइम में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है और इतना ज़्यादा सोचता है कि इस पर्सन से सोना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, सो इस पर्सन को नहीं समझ आ रही कि ये कैसे छुटकारा पाए इस स्लीपलेस प्रॉब्लम से, क्योंकि आप इस पर्सन को हील कर सकते हो। आपके बिना तो ये पर्सन मुझे लगता कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा लव करता है गाइस। ऑब्वियसली ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी, बट जिनकी भी यहाँ पे एनर्जी है उनके पार्टनर्स उनसे बहुत प्यार करते हैं। बींग ऑन योर आर्म्स मेक मी फील सो गुड, इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी। आप लोगों के आर्म्स में रहना इस पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है और यही बेस्ट प्लेस है इस पर्सन के लिए। ऑब्वियसली इस पर्सन ने आपको हग किया है या आप लोग इस पर्सन आप ये पर्सन आपके लैप में रहा है, तो इस पर्सन वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करता है। इस पर्सन को बहुत सुकून मिलता है आप लोगों की बाहों में। काफ़ी रोमांटिक आज के मैसेज आ रहे हैं गाइस, व्हाट इज़ इट, बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। यू आर द मोस्ट प्रेशियस एंड बेस्ट गिफ्ट इन माई लाइफ, आई कंसिडर दैट एज द बेस्ट थिंग फ्रॉम गॉड। आप लोग इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खास गिफ्ट हो इसकी ज़िंदगी में और ये पर्सन आपको ऐसे कंसीडर करता है जैसे गॉड ने इस पर्सन को उसकी दुनिया में बहुत ही कोई अच्छा गिफ्ट दे दिया है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत आप इस पर्सन के लिए बहुत खास हो गाइस और लव भी करता है ये पर्सन बहुत आपसे। माय लाइफ हैज़ टर्न्ड इन अ पॉजिटिव वे व्हेन यू हैव अराइव्ड इन माय लाइफ। जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो, इस पर्सन की लाइफ एक पॉजिटिव टर्न लिया है इस पर्सन की लाइफ में। पहले ये पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं थी, बट जब से आप लोग आए हो आप इस पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी हैप्पीनेस हो गई है। ठीक है, वी आर लिविंग अंडर द सेम स्काई, इजंट दैट क्लोज इनफ। आप लोगों का सेपरेशन है तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं हम लोग एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? बताओ, काफ़ी प्यारा मैसेज आ रहे हैं आज का। आज तो यू कैन मेयर द डिस्टेंस बिटवीन अस बट नॉट द लव। आप लोग डिस्टेंस मेयर ज़रूर कर सकते हो, बट जितना ये पर्सन आपसे प्यार करता है उस चीज़ को आप कहीं भी मेयर नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेयर कर सके या आपको बता सके ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। I want to look at your face for the entire life when you are in front of me. I can't stop looking at you. जब आप इस पर्सन के सामने होते हो तो ये पर्सन आपका चाहे सारी ज़िंदगी भी इस पर्सन को आपका फेस देखना पड़े ना, तो गाइज डेफिनेटली ये पर्सन देखेगा। जब आप इस पर्सन के सामने होते हो ये पर्सन आपको देखना
स्टॉप नहीं कर सकते. लाइक आप इतने इस पर्सन को प्यारे लगते हो, इतने गुड लुकिंग हो, जितने आपकी आपका फेस फीचर्स या बहुत खूबसूरत हैं या आप पर्सन को बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है. बिकॉज जब आपको किसी से प्यार होता है तो वो प्यारा हो या ना हो आपको बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, जिसे आप लव करते हो. इन अवर रिलेशनशिप डिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. यहाँ पे भी डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या, आई नो वन डे वी विल बी टुगेदर डिस्पाइट ऑल द ऑड्स एवरीथिंग विल बी अमेजिंग. आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. डेफिनेटली इस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रस्ट है, होप है कि आप दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे. चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे ऑड हैं, ऑफ चल रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं आप दोनों के दरमियान, कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है. बट स्टिल इस पर्सन को पता है कि जब आप लोग मिलोगे वो दिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा. Nothing could be compared with the love of you for me. I know you are the person who loves me most and I want to tell you that I love you too. I am all yours. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कंपेयर कर सके कि ये पर्सन का आपसे कितना प्यार है. आप ही ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करता है और ये पर्सन आपका है, सारे का सारा आपका है. बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे. मैं बार बार यही कहूँगी कि पहला मैसेज तो आई लव इट. All my emotions inside are for you. जितने भी emotions इस person के अंदर है वो सब आपके लिए हैं. Because ये आपसे love करता है. बहुत ज़्यादा romantic यहाँ पे messages हैं. So this is your reading. ये messages थे कुछ आपके person की तरफ से, short reading थी आज की, ठीक है. So आपसे जैसे resonate की हूँ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताने हैं. Definitely ये person बहुत ज़्यादा positive है आप लोगों को लेके. इस person को hope है आप दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे, आपकी life में positivity आएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ union आपका ज़रूर होगा. क्योंकि ये person आपसे बहुत प्यार करता है. इस person के दिल में आप लोग ही हो, आपके बारे में सोचता रहता है. आपको जितना सोचता है आपके बारे में उतना ही ये person helpless feel करता है और इसको नींद भी नहीं आती. Especially night time आपको बहुत याद करता है. So like, share and subscribe. Resonate किया हो तो मुझे comment section में ज़रूर बताना. Bye.